हे गाइस, दिस इज शीतल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपकी महीने की सैलरी आती है लेकिन कहाँ खर्च होती है पता नहीं, आप सेव ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस ये वीडियो को देखने के बाद आपके पास एटलीस्ट ये एक्सक्यूज तो नहीं रहेगा कि आपके पास सेव करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रिंसिपल जो हम अप्लाई करते हैं पर्सनल फाइनेंस में, और वो प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट, व्हाट इज दैट? पे योरसेल्फ फर्स्ट मींस पहले अपने आप को पे करो। लेकिन अपने आप को पे कैसे करें? मैं तो बिजनेस नहीं करती हूँ, अगर मेरा बिजनेस होता है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तभी मैं अपने आप को पे कर सकती हूँ। लेकिन पे योरसेल्फ फर्स्ट एक अर्निंग प्रोसेस नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग ओनली। लेकिन ये काम कैसे करता है? हमारी सैलरी हमारे हाथ में आने के बाद हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं लिस्ट हमारे खर्चों की। उसमें आते हैं हमारे दो तरह के खर्च, एक हमारी जरूरत के खर्च और एक हमारी चाहत के खर्च। हम इन दोनों चीजों के ऊपर हमारी सैलरी खर्च करते हैं, और जो पैसे बचते हैं, इफ एट ऑल अगर वो बचते हैं, तो हम उनको सेव करते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि इतने खर्च होते हैं कि हमारे पास सेविंग के लिए पैसे बच नहीं पाते। हमारे खर्चों में नॉर्मली आते हैं हमारा राशन, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, कॉन्वेंस का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, आउटिंग, रिक्रिएशन, छोटे मोटे ट्रैवल, मूवीज और इसी तरह के और खर्च। और सब खर्च के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे बचते नहीं है। पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम करते हैं थोड़ा सा चेंजेस। हमारी जब सैलरी आती है तो हम उसमें से सबसे पहले सेविंग निकाल लेते हैं। हम पहले खर्च नहीं करते हैं, पहले हम सेविंग निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी है 20,000 रुपए। 20,000 में से मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए अपने सेविंग के लिए। ये सेविंग को हम करेंगे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट, जैसे हमारे रिटायरमेंट के लिए, मेडिकल पॉलिसी के लिए, हमारे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जैसे कि घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रैवल एक्सेट्रा। इन पैसों को हमें रखना है एक अलग अकाउंट में। अगर ये हमारे पास रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि हम इनको खर्च कर दें। और अब है क्रिटिकल पार्ट, अब हमारे पास जो पैसे बच जाते हैं हमें अपना सारा खर्चा उसी में ही मैनेज करना है। बिल्कुल सही, जी हाँ, हमारे सारे खर्चों को हमें जो पैसे बचे हुए हैं उसमें ही मैनेज करना है, उसी में ही चलाना है, उसी में ही हमारी जरूरत के खर्च करने हैं, उसी में ही हमारा राशन मैनेज करना है, उसी में हमारा मूवी देखने जाना है, उसी में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, उसी से हमारा घर का रेंट देना है, उसी से हमें फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना है, जो भी खर्च है हमारे उसी के अंदर मैनेज करने हैं। अगर आपको लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा खर्चा उसमें मैनेज हो नहीं पाएगा, मुझे और भी पैसे चाहिए, मेरे सारे जरूरतें इससे पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपकी बहुत जरूरी चीजें क्या है जो आप 15,000 में पूरी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, घर का बिल जरूर, घर का किराया, लाइट, मेडिकल एक्सपेंस, कॉन्वेंस और राशन, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और अब जो बच जाते हैं खर्चे, जो हमारी रिक्रिएशन, मूवीज, डिनर के लिए जो पैसे हमें चाहिए, उनको अगर हमें जिस तरह से चलते आ रहे हैं वैसे तरह से चलाना है, तो ये प्रिंसिपल मुझे फोर्स करेगा अपने बिल्स को कट डाउन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मूवी देखना बाहर कम करना पड़ेगा, मुझे बाहर डिनर करना कम करना पड़ेगा। अगर मैं वीक में एक बार जाती हूँ तो मुझे महीने में 2 बार जाना पड़ेगा। और इसी तरह के कुछ और खर्च जिनके बिना शायद हमारी जिंदगी आराम से चल सकती है, हमें उनको कट डाउन करना पड़ेगा। बट वाई फर्स्ट? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अगर पहले खर्च कर देते हैं तो हमारे पास सेविंग के लिए पैसे बचते नहीं है। लेकिन अगर हम पहले सेविंग करें तो वो हमारे फ्यूचर के और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि रिटायरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों के लिए, जो हमारे फ्यूचर का ख्याल रखे, उसके लिए हम सेव कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। डॉक्टर्स हमें हमेशा एक्सरसाइज सुबह करने के लिए क्यों बोलते हैं? इसका कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है, बट इट इज वेरी साइकोलॉजिकल। हम अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं करें और अगर हम सोचे कि हम शाम को करेंगे या रात को करेंगे, तो हम पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, और ऑफिस में हम हो सकते हैं कि किसी जरूरी काम से हम अटक जाए, हमें वहां पर रहना पड़ जाए, या ऑफिस से आते वक्त हमारे पास ऐसा कुछ जरूरी काम आ गया कि हम एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकाल पाए। लेकिन अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, जिम करें, या जो भी आपका एक्सरसाइज का रूटीन है वो कर लें, तो बाकी के जो काम है हमें दिन का बचे हुए टाइम में मैनेज करना ही होगा। ये सेम प्रोसेस काम करता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पे योरसेल्फ फर्स्ट। आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और आपको ये और पैसे सेव करने में मदद करेगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।